बड़ी खबर आपको बता दें, एसपी सांसद आजम खान को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल जौहर यूनिवर्सिटी से जमीन वापस लेने का आदेश दिया गया है। दलितों की कब्जाई गई 100 बीघा जमीन अब वापस होगी। तो जौहर ट्रस्ट के नाम पर दलितों की जमीन ली गई थी। वहीं राजस्व परिषद बोर्ड का यह बड़ा फैसला देखने को मिला है। तो मुश्किलें यहां पर आजम खान की बढ़ती हुई, क्योंकि राजस्व परिषद बोर्ड ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए सपा के नेता और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष आजम खान का दलितों की जमीन खरीदकर जौहर ट्रस्ट के नाम करने वाली 100 बीघा जमीन को वापस करने का आदेश सुनाया है। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने मुद्दा उठाया था कि सपा सरकार में नियमों की अनदेखी कर आजम खान ने जिलाधिकारी की अनुमति के बिना गरीब दलितों की 100 बीघा जमीन जौहर ट्रस्ट के नाम कर दी थी। दरअसल राजस्व बोर्ड में आजम खान के खिलाफ मामले चल रहे थे। न्यायालय ने निगरानियों को सही करार देते हुए प्रक्रिया प्रस्त को आधारहीन बताया है। मुख्यमंत्री जी ने पूरे विषय की जांच के उपरांत इस मामले को तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा रेवेन्यू बोर्ड प्रयागराज में दर्ज किया गया और आज बोर्ड के ऐतिहासिक फैसले ने साफ कर दिया है कि जो पूर्व में मुरादाबाद कमिश्नर ने जो ये आदेश पारित किए थे बिना जिलाधिकारी की अनुमति के इस ज़मीन को जौहर ट्रस्ट के नाम करने के, वो आज सारे ऑर्डर कैंसिल कर दिए गए हैं और अब बहुत जल्द जो दलितों की ज़मीनें थीं वो शासन को वापस होंगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूँगा कि इन ज़मीनों को दोबारा से उन्हीं दलितों को अलॉट किया जाए।